हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पैरामेडिकल में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे इस टॉपिक को तैयार करना है जिससे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को आप फेस कर पाओ। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे IV कैन्यूला के बारे में कि IV कैन्यूला क्या कहलाता है, IV कैन्यूला के कितने टाइप्स के होते हैं, क्या साइज़ होता है, किस पेशेंट में किस साइज़ का IV कैन्यूला यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम IV कैन्यूला का डेफिनेशन देखते हैं। तो IV कैन्यूला का डेफिनेशन है, NIV इज अ स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब इंसर्टेड इनटू अ वेन यूजुअली इन योर हैंड और आर्म। NIV इज यूज्ड टू प्रोवाइड फ्लूइड व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड और कांट ड्रिंक। तो अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं कि IV कैन्यूला की डेफिनेशन क्या है। तो वो जो IV कैन्यूला होता है, ये एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये स्मॉल प्लास्टिक की ट्यूब होती है और ये यूजली ज़्यादातर हमारे हैंड और आर्म की जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, वहाँ पर इंसर्ट की। और इस IV कैन्यूला के थ्रू जो डिहाइड्रेटेड पेशेंट होते हैं और जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, वाटर इनटेक नहीं कर सकते हैं, फ्लूइड इनटेक नहीं कर सकते हैं, उन पेशेंट्स को हम फ्लूइड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि जो वेन फ्लोन होता है वो प्लास्टिक की ट्यूब होती है, इसे हैंड या आर्म में यूजली इंसर्ट किया जाता है। और किस लिए इंसर्ट किया जाता है कि ऐसे पेशेंट जो डिहाइड्रेटेड होते हैं, जो फ्लूइड नहीं ले पाते हैं, जो ड्रिंक नहीं ले पाते हैं, ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, इसी वेन के थ्रू हम पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड कराते हैं। ये तो हो गई IV कैन्यूला की डेफिनेशन कि IV कैन्यूला क्या कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर IV कैन्यूला जो हम इंसर्ट करते हैं उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका मेन यूज़ क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये जो IV कैन्यूला का मेन पर्पज़ होता है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना। यदि किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना है, रक्तदान करना है, तब पेशेंट को IV कैन्यूला लगाया जाता है। सेकेंड होता है एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन, पेशेंट को IV मेडिसिन फ्लूइड के फॉर्म में मेडिसिन देने के लिए IV कैन्यूला लगाया जाता है। देन नेक्स्ट होता है फ्लूइड प्रोवाइड फ्लूइड, तो जो पेशेंट होता है उस पेशेंट को फ्लूइड लगाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, IV कैन्यूला का यूज़ किया जाता है। तो ये स्टूडेंट इसका पर्पज़ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इससे हर एक साइज़ के कैन्यूला से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैन्यूला की। कैन्यूला में स्टूडेंट हम समझेंगे IV कैन्यूला का कलर क्या होता है, देन सेकेंड हम जानेंगे IV कैन्यूला का गेज साइज़ क्या होता है, देन इसका डायमीटर कितना होता है, एक्सटर्नल डायमीटर कितना होता है, देन ये जो वेन फ्लोन होते हैं इनकी लेंथ फ्लो कितनी होती है, लेंथ फ्लो इन रेट कितने होते हैं, देन इनका यूज़ क्या होता है। तो अलग अलग साइज़ के कैन्यूला का IV कैन्यूला कलर अलग होता है, गेज साइज़ होता है अलग होता है, डायमीटर एक्सटर्नल अलग होता है, देन इनका लेंथ फ्लो एंड रेट एंड यूज़ इनका अलग अलग होता है। तो हम ऑल IV कैन्यूलास के साइज़ एंड यूजेस एंड कलर कोडिंग के बारे में जानेंगे, देन कौन से पेशेंट में कौन से कलर का IV कैन्यूला यूज़ किया जाता है हम ये भी जानेंगे। तो हम फर्स्ट जो IV कैन्यूला स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कैन्यूला की, जो फर्स्ट कैन्यूला है स्टूडेंट वो है ऑरेंज कलर का। एक इंपॉर्टेंट बात है आप याद रखना कि स्टूडेंट जिस भी कैन्यूला का गेज साइज़ जितना ज़्यादा कम होता है उसका लेंथ उतना ज़्यादा होता है और उसका फ्लो रेट भी उतना ही ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट, जिस भी कैन्यूला का गेज साइज़ ज़्यादा होता है उसका लेंथ कम होता है और उसका फ्लो रेट भी कम होता है। तो जैसे फर्स्ट कैन्यूला हम देख रहे हैं, इसका कलर है ऑरेंज, इसका गेज साइज़ है 14, देन इसका एक्सटर्नल डायमीटर है 2.51 mm, इसका लेंथ है 45 mm, देन इसका फ्लो रेट है ml पर मिनट में -240 ml पर मिनट। इसका जो यूजेस है, ऑरेंज कलर का जो वेन फ्लोन होता है, कैन्यूला होता है, इसका यूज़ कब किया जाता है, तो ट्रॉमा में यूज़ किया जाता है, सर्जरी के टाइम पे यूज़ किया जाता है, जब पेशेंट सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में आता है, पेशेंट को फास्ट फ्लूइड देने के लिए भी ऑरेंज कलर के कैन्यूला का यूज़ किया जाता है, रैपिड
ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में भी ऑरेंज कलर के कैन्यूला का यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा कि जो ऑरेंज कलर का जो कैन्यूला था उसका गेज साइज़ 14 था और इसका जो डायमीटर था वो भी ज़्यादा था और इसका जो फ्लो रेट था वो भी ज़्यादा था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सेकेंड कैन्यूला के बारे में। तो जो सेकेंड आईवी कैन्यूला होता है उसका जो कलर होता है वो ग्रे होता है। इसका गेज साइज 16 गेज का होता है, मतलब इसका 16 गेज हुआ, मतलब इसके पहले वाले कैन्यूले से इसका गेज साइज थोड़ा सा बढ़ा। तो इसका डायमीटर जो होगा, इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा, देन इसका फ्लो रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो कलर है वो ग्रे है, गेज साइज 16 गेज का है। इसका एक्सटर्नल मिनट होता है। इसका यूज़ कब किया जाता है, ग्रे कलर के कैन्यूला का यूज़ कब किया जाता है, तो ट्रॉमा वाले पेशेंट में इस कलर का कैन्यूला लगाया जाता है। सर्जरी, किसी पेशेंट की सर्जरी होना हो तब पेशेंट को ग्रे या 16 गेज का वेंट्रल लगाया जाता है। रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में लगाया जाता है। देन रैपिड फ्यूल रिप्लेसमेंट यदि करना हो किसी पेशेंट को तब पेशेंट को 16 गेज के कैन्यूला का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आईवी कैन्यूला। नेक्स्ट कैन्यूला है आपका थर्ड नंबर कैन्यूला के बारे में देखेंगे। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इस कैन्यूला का गेज साइज 18 गेज होता है। ऐसे नंबरिंग बढ़ते बढ़ते अब इसका गेज साइज बढ़ता जाएगा। तो इसका जो गेज साइज होता है वो 18 गेज का होता है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.3 mm का होता है। देन ये जो ग्रीन कलर का कैन्यूला होता है इसका जो लेंथ होता है वो 32 mm होता है। स्टूडेंट, इसका जो फ्लो रेट होता है, मतलब ये कितना फ्लो इसका ml पर मिनट में होता है, तो ये -90 ml पर मिनट होता है। इस कैन्यूला का यूज़ किस लिए किया जाता है, इस कैन्यूला का यूज़ ट्रॉमा पेशेंट में, सर्जरी में, देन रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किया जाता है, देन रैपिड फ्लूड रिप्लेसमेंट में इस कैन्यूला का यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस पेशेंट की सर्जरी होना हो या रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना हो या रैपिड फ्लूड रिप्लेसमेंट होना हो, उस पेशेंट में ग्रीन कलर का जो कैन्यूला होता है, जो 18 गेज का कैन्यूला होता है, इसका यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट कैन्यूला के बारे में, तो स्टूडेंट नेक्स्ट कैन्यूला होता है वो, उस कैन्यूला का कलर पिंक होता है। ये जो पिंक कलर का कैन्यूला होता है इसका जो गेज साइज़ होता है सिर्फ 20 गेज का होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो 20 गेज का कैन्यूला होता है इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो 1.1 mm होता है। इसका जो लेंथ होता है वो 32 mm होता है। देन इसका जो फ्लो रेट ml पर मिनट में होता है वो 60 ml पर मिनट होता है। इसका जो मोस्ट यूज़ किया जाता है, जो इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है इसका, मोस्ट इन्फ्यूज़न में यूज़ किया जाता है, रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में, देन रैपिड फ्यूल रिप्लेसमेंट में यूज़ किया जाता है। तो यदि आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पेशेंट में 20 गेज का ही कैन्यूला यूज़ किया जाता है एडल्ट में। मोस्ट इन्फ्यूज़न मतलब वार्ड में यदि पेशेंट को इन्फ्यूज़न देना हो, पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना हो, पेशेंट का फ्लूड रिप्लेसमेंट करना हो, तो पेशेंट को पिंक कलर का कैन्यूला ही लगाया जाता है या 14 गेज का कैन्यूला ही पेशेंट में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट कैन्यूला के बारे में। स्टूडेंट जो नेक्स्ट कैन्यूला है उसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। देन इसका गेज साइज 22 गेज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो कलर कोडिंग है वो ब्लू होता है। इसका गेज साइज 22 गेज होता है। इसका एक्सटर्नल डायामीटर स्टूडेंट 0.9 mm होता है। इसका लेंथ 25 mm होता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट जैसे ही इसका गेज साइज बढ़ा वैसे ही इसका जो डायामीटर है और जो लेंथ है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसका जो फ्लो रेट है स्टूडेंट वो ml पर मिनट 36 ml पर मिनट है। देन इसका ज़्यादातर यूज़ किस लिए किया जाता है, देखो बहुत कम फ्लूड इससे जा रहा है, तो ज़्यादातर इसका यूज़ इन्फ्यूज़न में किया जाता है, रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में किया जाता है। देन पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल जो बेबीज़ होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जिनका जन्म होने के बाद वो 4 वीक के होते हैं, या जो ओल्डर एडल्ट होते हैं, उन बच्चों में या उन पेशेंट्स में इसमें इस कैन्यूला का यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आईवी कैन्यूला स्टूडेंट उसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है।
इसका गेज साइज़ 24 होता है। तो 24 जो गेज साइज़ का कैन्यूला होता है वो येलो कलर का होता है। स्टूडेंट इस 25 गेज कैन्यूला का जो साइज़ होता है एक्सटर्नल डायमीटर होता है 0.7 mm होता है। देन इसकी जो लेंथ होती है वो 19 mm होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसका फ्लो रेट ml में और कम हो जाता है, ये 20 ml पर मिनट ही इसका फ्लो रेट होता है पेशेंट के लिए। इसका जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो मोस्ट इन्फ्यूज़न के लिए, मतलब पेशेंट को इन्फ्यूज़न देने के लिए, ड्रिप देने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो न्यूनेट पीडियाट्रिक्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बेबीज़ में रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराने के लिए, ठीक है, या उनको इन्फ्यूज़न देने के लिए या फ्लूड देने के लिए इस येलो कलर के IV कैन्यूला का यूज़ किया जाता है। बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट कैन्यूला के बारे में। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट कैन्यूला होता है उस कैन्यूला का जो कलर होता है वो पर्पल कलर में होता है। इसका गेज साइज 26 होता है। स्टूडेंट ये सबसे छोटे साइज का कैन्यूला होता है क्योंकि इसका गेज साइज सबसे बड़ा है, तो इसका लेंथ सबसे कम होगा और इसका फ्लो रेट सबसे ज़्यादा कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका कलर पर्पल होता है, इसका गेज साइज 26 गेज का होता है, इसे 26 नंबर के कैन्यूला के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 0.6 mm होता है, इसका लेंथ 19 mm होता है। देन इसका फ्लो रेट ml पर मिनट में 30 ml पर मिनट होता है। इसका भी ज़्यादातर यूज़ न्यूनेटल बच्चे में, बहुत छोटे बेबीज़ में, देन पीडियाट्रिक्स में इस कैन्यूला का यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने ऑल साइज़ के कैन्यूलास के बारे में जाना कि जो कैन्यूला क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका गेज साइज़ क्या होता है, इनका कलर क्या होता है, इनका डायमीटर क्या होता है, देन किस पेशेंट में इन कैन्यूला का यूज़ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इससे हर साल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन किसी न किसी टाइप से ज़रूरी पूछे जाते हैं। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा, मैं इस कैन्यूला के टाइप्स को, इसके नंबर कोडिंग को याद करने के लिए, कलर कोडिंग को याद करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी और इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।